तो पावर क्यूरी में हम बात कर रहे हैं एम लैंग्वेजेस की। जी हाँ, मतलब कि हम लोग तो ऐसे है कि माउस इवेंट से सब चीज करते भी थे, लेकिन हम किस तरह से क्यूरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गेट डेटा में गया और यहाँ फ्रॉम अदर क्यूरीज में ब्लैंक क्यूरीज कर दिया। तो ब्लैंक क्यूरीज मतलब मैं यहाँ अपने हिसाब से जो क्यूरी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडवांस एडिटर पे क्लिक किया, तो इस तरह से एडवांस एडिटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक नेम डिफाइन है सोर्स। अब सोर्स की जगह पे आप एस वी कर सकते हैं या एस वी लिख दीजिए यहाँ पे कि एस, और लेट होता है कि आप यहाँ पे पोर्ट करें देन आप यहाँ पे इसको कॉल करें। तो दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लेट अभी हटा इन हटा देते हैं। यहाँ पे हमें बोला कि एस इक्वल टू, और यहाँ पे अपनी क्यूरी कर रहे हैं जैसे कि एक्सेल, क्योंकि एक्सेल से डेटा आ रहा है, डॉट करेंट वर्कबुक, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में मुझे अपने टेबल का नेम देना होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पे लिखिए कि नेम, टेबल का जो नेम है नेम इक्वल टू, मैंने टेबल का नाम टीएल था तो यहाँ पे टीएल दे दिया। और फिर यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऑल्सो सॉरी कर्ली ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेन, क्योंकि मुझे टेबल का कॉन्टेंट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टेंट हमने लिखा कंटेंट। अब इसको यहाँ कॉल करने के लिए हमने जस्ट एस कर दिया तो कॉल हो गया। यहाँ देखिए सिंटैक्स का कोई एरर नहीं है। देन यहाँ पे जैसे डन करूंगा आप देखेंगे यहाँ पहले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि हमने कुछ गलती किया। वहाँ कंटेंट का स्पेलिंग लग रहा है गड़बड़ हो। या देखिए इसमें केस सेंसिटिव होता है, हमने कंटेंट का जो लिखा था कंटेंट में सी कैपिटल नहीं था इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने सी कैपिटल में लिख दिया तो यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या इसमें कोई टेबल रेंज भी ले सकते हैं, तो चलिए इसको एक बार डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ से हम। और यहाँ ये तो वो टेबल है, हमने टेबल का नाम डिफाइन कर रखा है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, और वैल्यू में अब इसका नाम मैं कर देता हूँ ए ए, इसका नाम कर दिया ए ए। अब मुझे इसको अपने पावर क्यूरी में कॉल करना है, तो क्या होगा, चलिए अदर क्यूरी के ब्लैंक क्यूरी में जाते हैं। अब यहाँ एडवांस एडिटर पे आ गए, यहाँ पे सोर्स, सोर्स को सोर्स भी रहने दे सकते हैं या अपना कोई नाम चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोर्स में सोर्स इक्वल टू हमने लिखा कि एक्सल डॉट करेंट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हमने लिख दिया नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ए ए, और फिर अगेन बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे सी ओ एन टी ई एन टी कंटेंट, और सी कैपिटल में होना चाहिए, और फिर इसको कॉल कर लिया एंड ओके करते हैं। ये देखिए डेटा हमारा आ गया, पर प्रॉब्लम ये है कि इसने इसको ए नहीं किया हुआ है। क्या नहीं किया हुआ है, हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, हेडिंग को नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमने कोई हेडिंग दिया ही नहीं है। तो हमें यहाँ अपने कोडिंग में भी लिखना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल सा ट्रांसपोर्ट में जाइए, और ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे या होम पे ही दिख जाता है, यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर क्लिक कीजिए, ये हीडर आपका होगा। हालांकि कोई लाइनिंग भी आप लिख सकते हैं, यहाँ दिख सकता है यहाँ पे कि टेबल ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप प्रमोटेड हीडर नेम टाइप सेल्स फाइल, ये पूरा लिखना पड़ सकता है, या आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी टेबल से डेटा को हम लेके आ सकते हैं, वो भी एम क्यूरी की मदद से। अभी एम क्यूरी आपको मैं थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ, फिर आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले आप सीख रहे हैं किसी टेबल से डेटा को कैसे लाते हैं।